नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में जिसका लोगों को बहुत ही बेसब्री से यहाँ पर इंतजार था। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सी भर्ती है और कब तक यहाँ पर इसके एग्ज़ाम होने हैं और कब तक ये भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों ये पूरी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि अगले महीने जारी होगी विज्ञप्ति, नवंबर में होगी परीक्षा, फरवरी में दौड़, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी भर्ती है, पूरा यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। उप निरीक्षक बनने की, ठीक है, उप निरीक्षक बनने की भर्ती का इंतजार कर रहे नौजवानों के लिए खुशखबरी है। भर्ती बोर्ड पुलिस उप निरीक्षक के 5000 से अधिक पद, जी हाँ यहाँ पर 5000 से अधिक पदों के लिए भर्ती अगले महीने यहाँ पर होने जा रही है, यानी कि सितंबर में यह भर्ती स्टार्ट हो रही है। सितंबर के अंत में भर्ती का विज्ञापन निकलेगा। जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका विज्ञापन है ये सितंबर के अंतिम सप्ताह यहाँ पर निकलने की पूरी की पूरी यहाँ पर चांसेस हैं। नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में यहाँ पर लिखित परीक्षा कराई जाएगी और अगले वर्ष 2020 के फरवरी माह में दौड़ कराने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि 5000 से अधिक पुलिस उप निरीक्षकों के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सितंबर के अंत से शुरू हो जाएगी। इन पदों पर परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है, इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अगले एक महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। विश्वकर्मा ने बताया कि इस भर्ती के लिए जो भी युवक गंभीर हैं और पुलिस में अपनी सेवाएँ देना चाहते हैं वह अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरी कहानी आपके 5000 से अधिक यहाँ पर उपनिरीक्षक के आने वाले हैं। तो जो लोग इसकी प्रिपरेशन अभी से नहीं कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, अभी आपको बहुत टाइम मिलेगा इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि उपनिरीक्षक भर्ती में आदिवासियों को भी पूरा मौका यहाँ पर दिया जाएगा। पिछली भर्ती में आरक्षित पद होने के बाद भी एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला था। प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी सोनभद्र जिले में आते हैं, ऐसे में इस बार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सोनभद्र में अगले से परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, लिखित परीक्षा पास करने वाले आदिवासी अभ्यर्थियों को दौड़ भी सोनभद्र में ही कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे अधिक से अधिक अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी न्यूज़ अपडेट है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पर आपके लिए 5000 से अधिक निरीक्षक के पद यहाँ पर आने वाले हैं और जिनके आवेदन जो हैं ये सितंबर के अंतिम सप्ताह से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे और आपके नवंबर में इसकी परीक्षाएँ संपन्न होगी और फरवरी माह में इसकी, यानी कि फरवरी 2020 में इसकी दौड़ की बात की जा रही है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की न्यूज़ अपडेट। इस तरह की न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।